أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. मौजूद हाजरीन, आज आपके सामने 13वें पारे की तिलावत की गई है जिसमें सूरह यूसुफ, सूरह राद और सूरह इब्राहिम, ये तीन सूरतें आज आपके सामने पढ़ी गई हैं। पिछले दर्स में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतालिक कुछ बातें आपके सामने आई थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो एक मुसाफिरों की जमात आई और कुएं से उन्होंने पानी लेने की कोशिश की और जब वो अपना डोल ऊपर लेकर आए तो उन्हें खूबसूरत बच्चा मिला और उस बच्चे को उन्होंने अपने सामान में छुपाया। यहाँ एक बात हमको जहन में रखना चाहिए कि मारने वाले से हिफाजत करने वाला सबसे अफजल है, बेहतर है। इसीलिए एक शेर उर्दू का बड़ा मशहूर है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, वो यही बात। अल्लाह ताला को ये मकसूद था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी बनाना, तो अल्लाह तबारक व ताला भी इस इरादे पर अटल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। तब अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करना चाहता है तो कायनात की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर लिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में लाए गए और उन्हें बेच दिया गया। अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और चूंकि वो लावलत था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद दीनारों में लाकर उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो इसकी इज्जत करो और इसको इसकी बेहतरीन तरबियत और इसका ठिकाना दो, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे या हमारे लिए नफा बख्श साबित होगा। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ठिकाना अता फरमाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया तावीलुल हदीस। ये क्या है अभी हम आपके सामने उसका तस्करा करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत किया और मासूम मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचा दिए गए और फिरौन जैसे दुश्मन के दरबार में अल्लाह ने तरबियत दिलाई, वैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत भी अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद था, उस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत भी अल्लाह तआला ने किया। आदमी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आदमी कहाँ परवान चढ़ेगा, जहाँ उसकी तकदीर है अल्लाह तबारक व तआला उसको लेकर चले जाता है और वहीं पर वो तरक्की करता है और वहीं पर वो उरूज पर आता है। अब देखें कहाँ कनान था, वहां से मिस्र को यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए अल्लाह के हुक्म से और बादशाह के घर में तरबियत पाए, शाहना तरबियत। तो यहाँ यह हुआ वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल हदीस, बातों की समझ का इल्म अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को दिया था, ख्वाबों की ताबीर अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाया था कि किस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है। ये फन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को दो फनून अल्लाह ने दिया, ये एक और आगे एक आएगा तो हम वहां जिक्र करेंगे। इसीलिए कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता अहले इल्म के वो अपने इल्म में माहिर है, अल्लाह ताला उसको इल्म के किसी गोशे का माहिर बना देता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने माहिर बनाया था, किसी भी बातचीत के नताएज हजरत यूसुफ बड़ी आसानी के साथ निकाल लिया करते थे।
जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबिया शुरू हुई और वो इल्म हिकमत में पुख्ते हो गए अल्लाह के हुक्म से, एक दिन यह हुआ कि बादशाह की बीवी की नीयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुरी हुई और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, قال معاذ الله, अल्लाह की पनाह मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने एक घर में मुझे इज्जत का ठिकाना अता फरमाया है। सुभानअल्लाह, अल्लाह ने इज्जत का ठिकाना अता फरमाया और जिस घर में अल्लाह ने इज्जत अता फरमाया मैं उस घर के अंदर गुनाह का काम या बुराई का काम नहीं कर सकता, और अगर मैं ऐसे करूंगा जालिम हो जाऊंगा और जालिमों को अल्लाह ताला नजात हरगिज हरगिज नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अजीज मिस्र की बीवी ने जबरदस्ती की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर और शैतान अपने मकर में कामयाब हो जाता था, लेकिन अल्लाह ने हजरत यूसुफ को एक बुरहान अता फरमाया। सुभान अल्लाह, और वो बुरहान क्या था? एक नबी से बढ़कर इस चीज को कोई नहीं जान सकता। लोग इसकी बहुत तावील करते हैं, इसकी कोई तावील नहीं है। अल्लाह की तरफ से एक बुरहान हजरत यूसुफ के दिल में डाला गया, उस बुरहान की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचे रहे। सुभान अल्लाह, इसी तरीके से अल्लाह ताला लोगों को बुराइयों से रोकता है और ये अल्लाह का मामला अपने मुखलिस बंदों के साथ होता है। ये बात अल्लाह ने कहा। यहाँ समझने की क्या क्या बातें हैं, देखिए पहली बात, जो हमारे साथ एहसान का मामला करते हैं हम उनके साथ गद्दारी का मामला नहीं करना चाहिए। इस सबक में सबसे पहली बात आई। दूसरी बात, जो लोग हमें इज्जत का ठिकाना अता फरमाते हैं हम उनके एहसान की कदरदानी हमेशा करना चाहिए। तीसरी बात, अगर हमने उनके एहसानात को फरामोश कर दिया तो हम जालिमों में से शुमार किए जाएंगे। ये जुल्म है सबसे बड़ा। मैं खिलाया, मैं पिलाया, मैं पनाह दिया और आप आकर मेरे ही घर में डाका डालेंगे, तो इससे बड़ी गद्दारी और कोई नहीं हो सकती। ये बात नबियों ने ख्याल किया और यहाँ ये बात कही गई है कि जालिम कभी भी कामयाब नहीं होगा। अगर आदमी ने इस किस्म की हरकतें की हैं तो कभी भी ऐसा आदमी अपने मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होगा, ना दुनिया में। दूसरी बात, कोई भी इंसान बुराइयों से नहीं बच सकता जब तक के अल्लाह का रहम उसके साथ शामिल हल ना हो। हर इंसान बुराई कर सकता है, आजाद है इंसान बुराई करने में। वही लोग बुराई से बचते हैं जो लोग अल्लाह तबारक व ताला से डरते हैं। या क्या वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा, इसके आसान से माने क्या है? शैतान ने इतना वरगला दिया, करीब था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह कर बैठते अगर अल्लाह की दलील ना देखते। वो अल्लाह की दलील क्या है? ये अल्लाह ही बेहतर जान है। मुख्तलिफ तावीलात इसमें की गई हैं, लेकिन हम ये समझते हैं अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में यह बात डाला होगा कि मैं तुमको ऊंचा मकाम अता करने वाला हूँ, नबी बनाने वाला हूँ, किसी नबी के लिए यह सजावार नहीं हो सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन वहां। यहाँ एक बात मालूम होती है, अहले इल्म में से कोई भी अहले इल्म शैतान के मकर से बचा हुआ नहीं है। अगर कोई अहले इल्म पर भी ये चीज गालिब आ जाए तो वो अल्लाह की बुरहान को अपने पेशे नजर रखे। वो क्या है बुरहान? कि अल्लाह ने मुझे अहले इल्म बनाया, अल्लाह ने मुझे अहलुल कुरान बनाया, मैं हामिले कुरान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे समाज का जिम्मेदार कायद लीडर बनाया, ये हमारे लिए दलील है। अगर मैं ये हरकत करूंगा तो मेरे पीछे अहले इल्म बदनाम होंगे, अहले कुरान बदनाम होंगे, सारी कौम दलील और रुस्वा होगी, लिहाजा मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। ये हमारे लिए बुरहान है। लेकिन जब इंसान पर जुनून चढ़ता है तो वो गुनाह कर कर ही रहता है। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर उसके बाद फरमाया कि उस औरत ने क्या किया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की बुरहान देखकर महसूस करके फौरन उसके चंगुल से बाहर आ रहे थे तो उसने क्या किया, दरवाजा लगा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पीछे के हिस्से से खींचा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने में कामयाब हो गए। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने आका खड़ा हुआ था, अजीज़े मिस्र खड़ा हुआ था। जैसे ही अजीज़े मिस्र खड़ा हुआ
अपने शौहर को देखकर बीवी सजदर रह गई, अचंभे में पड़ गई, ये क्या हो गया। घर का मालिक आ गया तो फौरन उसकी जबान से बगैर किसी सवाल के एक बेसाख्ता लफ्ज निकला। क्या पूछी के قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, उस शख्स की सजा क्या है जो तुम्हारे घर में पला पोसा और तुम्हारी घरवाली के इज्जत पर हाथ डाल दिया। पूछा कौन उससे, कोई पूछा था नहीं, हैबत खा गई। यहाँ एक बात मालूम होती है, यहाँ एक बात मालूम होती है, आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं औरतों का मकर बड़ा खतरनाक होता है। मकर की एक तदबीर है कि कोई भी औरत हो जब उसकी जान पर मुसीबत आती है तो वो अपनी मुसीबत दूसरों के गले में डालकर खुद बचना चाहती है। ये फितरत है, ये फितरत। तो उसने क्या किया, अचंभे में पड़ गई, कहा कि नहीं मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये यूसुफ है ना मुझ पर हाथ डाल रहा था, इसकी सजा क्या है अब आप ही तय करो कि उसको तो जेल में डाल दिया जाए। किसने कहा ये बात पहले, जेल की सजा किसने लगाई, उस औरत ने। अल्लाह अकबर। दूसरी बात के जब उस औरत ने दलाइल को कायम करना चाहा तो अजीज मिस्र के घर ही से एक दलील निकल गई, गैब से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने क्या किया, एक दलील पेश किया। क्या कहा, वशहीद शाहिद मिन अहलिहा, अजीज मिस्र के अहल से एक गवाह खड़ा हुआ और कहने लगा इन काना कमीसुहु कुद्द मिन कुबल फसदकत वहु मिन अलकाज़िबीन, अगर कमीज सामने के हिस्से से फटी हुई रही तो यह औरत सच है, अगर कमीज पीछे के हिस्से से फटी हुई रही तो यह औरत झूठी है। सुभानअल्लाह। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुकदमा चलाने वाले पुलिस के अहलकारों के लिए भी रहनुमाई की है कि मुजरिम को कैसे पकड़ा जाएगा। कि यूसुफ अलैहि सलाम भाग रहे थे तो वो पीछे से कुर्ता खींची तो मुजरिम कौन, वो औरत, वो औरत रहेगी। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ रहा तो फिर ये औरत हकदार रहेगी। तो बादशाह को समझ आई, क्योंकि इज्जत की बात थी बादशाह की, पूरी ममलकत और सल्तनत में अगर ये हादसा बाहर आ जाता तो बादशाह की कोई कदर कीमत बाकी नहीं रह जाती। अब हुआ क्या, जब कमीज को देखा गया तो वो पीछे से फटी हुई थी। قال انه من كيدكن, अजीज मिस्र की जबान से निकल गया यकीनन ये मेरी बीवी का मकर है। इन कैदकुन अजीम, औरतों का मकर बहुत फरेबी होता है। सुभान, औरत के मकर से कोई आदमी बचकर नहीं निकल सकता, बहुत मकर औरत का। इसके ऊपर हमारे हैदराबाद के एक अखबार में दो बड़े माहिर अहले इल्म की बहुत बड़ी बहस चली थी, इन्ना कैदा कुन्ना अजीम। 8 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ लिखते रहे लोग इन्ना कैदा कुन्ना अजीम के बारे में। उसमें से एक हमारे अहले हदीस आलिम थे मौलाना इमरान आजमी रहिमहुल्ला, और एक दूसरे साहेब थे कलमकार, वो भी इन्ना कैदा कुन्ना अजीम पर जब ये मजमून लिखते तो इसके खिलाफ वो लिखते थे। बाद में अखबार में गुजारिश की गई कि भाई आपका जवाब देने वाले अब दुनिया में नहीं रहे, अब बस करिए ये मौजू को यहीं खत्म कर दो। तो इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, उन्होंने दलायल पेश किए तारीख में ऐसे वाकयात कहां कहां किस तरीके से मकर फरेब के पेश आए थे। तो औरत का मकर सबसे ज्यादा फरेबी होता है, इसीलिए औरत के मकर से बचना चाहिए। अब हुआ क्या, बादशाह कहने लगा यूसुफ आरिजन हादा, यूसुफ ये बात को यहीं दफन कर दो, इज्जत का मामला है। फिर वस्तगफरी ज़म्बिकी, बीवी से कहा तूने गुनाह किया, तेरे गुनाहों पर शर्मिंदा हो और तौबा कर, इन्नकी कुंती मिनल खातीन, तूने तू बहुत बड़ी खताकार है। अब बादशाह यहां पर मामले को रफा दफा करना चाहता था मगर मामला रफा दफा नहीं हुआ, वो महल से बाहर निकल ही गया और वो अजीज मिस्र की जो सहेलियां, अजीज मिस्र की बीवी की जो सहेलियां थी उन तक ये वाकया पहुंच गया। तो उन लोगों ने उसको ताना दिया कि क्या अजीब है, अपने परवरदा बेटे के साथ बदनीयती तूने की है। तो उसने बड़ी बेशर्मी के आलम में कहा था कद शगफहा हुब्बा, मैं मेरी मोहब्बत उस पर गालिब आ गई, गोया मैं यूसुफ की आशिक बन गई,
एक जुमला उसने कहा और अपने मकर का उसने एतराफ किया। उन्हें कहा कि देखो तुम यूसुफ को क्या समझे, मैं गुमराह हो गई, अगर तुम भी अगर यूसुफ की एक झलक देख लोगे तो तुम भी गुमराह हो जाओगे। उसने एक दावत रखा, सबके हाथों में फ्रूट खाने के लिए दे दिया और फ्रूट कट करने के लिए चाकू भी दे दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अपनी सहेलियों पर निकाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन खवातीन ने क्या किया, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, अपने हाथों को काट लिया और कहा हाशा लिल्लाह मा हादा बशर, अल्लाह की पनाह ये तो इंसान नहीं होता, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो अल्लाह का फरिश्ता है। सुभान अल्लाह, ये उन्होंने ये कह दिया। ये जो आयतें कही गई हैं वाकया बराए वाकया, बादशाहराए किराम ने इस वाकया को बहुत ही बुरी तरीके से मसख कर दिया और तो और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुलेखा से शादी भी करवा दी। ये वाकयात हमारे पास बड़े मशहूर हैं। सोचने की बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब उसने ये हरकत की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम 20-22 साल के रहे होंगे और जब इसकी उम्र कुरान के रोह से अगर आप देखेंगे तो इसकी उम्र जो है 40-44 साल के ऊपर रही होगी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में सजा भुगत के बाहर आ गए तो ये तो बुढ़िया हो गई होगी, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके साथ निकाह कब किया, कैसे किया? कहीं पर शरीयत में दलील नहीं है इस चीज की, लेकिन आज हमारे पास बाज लोग इल्म का दावा करने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को इश्क की दास्तान बनाकर नौज बिल्ला पेश करते हैं जबकि ये इबरत की दास्तान है। इसमें अल्लाह ताला ने मौइज़त रखा, नसीहत रखा, इश्क नहीं। इसीलिए हमारे बाज खाजी हजरात भी हैं, कमजर फाजी हजरात, वो लोग क्या करते, दुआ करते, ऐ अल्लाह ये जोड़े में यूसुफ जुलेखा की मोहब्बत अता फरमा, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, एक नबी को बदनाम कर रहे हैं, सुलेमान और बिल्किस की मोहब्बत अता फरमा, नौज बिल्लाह मिन, नबियों को बदनाम कर, बदनाम करने के क्या नबी मिले थे? जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुलेखा को जोड़ दिया वैसे ही सुलेमान के साथ बिल्किस को जोड़ दिया। इस कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा तो फिर आप बोलिए चलिए उनकी कौम ने अगर ऐसे किया तो हम कह सकते थे कि जाहिल कौम थी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया इस पर यकीन रख रही है तो इससे बड़ी जाहिल और कोई कौम नहीं हो सकती। ये मुतलक तौर पर गलत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कोई चीज बाकी नहीं थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीधे सीधे कह दिया मुझे जेल जाना है, मुझे जेल पसंद है, बादशाह मुझे जेल डाल दो। हम यहाँ रुकेंगे, कुछ बातें आपको समझाएंगे। मुझे जेल जाना है, मुझे जेल में भेज दो, क्योंकि ये इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। यहाँ हम रुकेंगे। एक बात है, देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्यों गए, पसंद क्यों किया जेल को, बादशाह ने पसंद नहीं किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जेल पसंद किया क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो निशानियां अता की थी मुस्तकबिल की, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में नहीं जाते तो कौम में यह बात ऐसी हो जाती गोया मुस्तकबिल में नबी की दावत पर उंगली उठ सकती थी। अपनी पाक दामनी और बरात के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल को पसंद किया। सुभान अल्लाह, इससे एक नुक्ता मिलता है, वो क्या है कि हम में से किसी इज्जतदार आदमी की इज्जत पर ऐसी तोहमत उड़ाई गई तो उस तोहमत का मुकाबला आदमी फेस टू फेस ना करे बल्कि वो इस तोहमत का दाग धुलने के लिए अपने आप को कौम से अलग कर ले। क्यों? फर्ज कर लें, हर इमाम का हर आलिम का कौम में एक मकाम होता है। अगर उस कौम के आलिम के साथ या कायद और रहबर के साथ अगर किसी के इश्क की दास्तान जोड़ दी गई तो पूरी दावत और तबलीग का ऊपर लगा दी जाएगी। आप लाख लोगों को कह ले कि मैंने ये नहीं किया लेकिन लोग मानने तैयार, उससे बेहतर आप क्या कर लो, अपने आप को अलग कर लो समाज से। जब तुम अपने आप को अलग कर लोगे तो उसके फायदे होंगे, लोगों के जहनों से वो बात पुरानी पड़ जाएगी, लोग भूल जाएंगे, लेकिन कभी ऐसे वाकयात पेश आएंगे तो फिर तुम कौम से उस चीज का सवाल कर सकते हो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले मैं जेल में जाना चाह रहा हूँ, जेल में चले गए। सुभान अल्लाह, यही अल्लाह को मंजूर था, इज्जतदार को यही मंजूर है। अगर मैं ढीठ पन्ने से आके बोलूंगा, फर्ज कर लें
कि अगर मेरे साथ कोई फहश मामला जोड़ दिया गया, आकर मैं अगर दर्स भी अगर देना शुरू कर दूं या नमाज भी पढ़ाऊं तो आपके दिल में कुछ लोग रहेंगे मेरी मुआफ़िकत में, कुछ लोग मेरी मुखालिफत बोलेंगे। क्या बेशरम आदमी है, देखो भाई इतनी बड़ी फहश हरकत करके भी दर्स दे रहा है, ज़हन को कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई मुखालिफ आदमी है मनहज का, वो बोलेगा अरे तुम्हारे आलिम को देखो कितना बेगैरत है, इतनी बड़ी हरकत करने के बाद भी आज भी मिंबर और मेहराब का मालिक है। समाज को इस चीज से बचाना चाहिए। एक इज्जतदार की इज्जत समाज की इज्जत होती है, एक आलिम की इज्जत कौम की इज्जत होती है, एक सरदार की इज्जत कौम की इज्जत तसव्वुर की जाती है। इसीलिए यह नुक्ता यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि नहीं सीधा, चूं बुरहान देखे थे अल्लाह ताला की, कहा कि नहीं सीधा मैं जेल को चले जाता हूँ, जेल को चले गए, हम भी तन्हाई अख्तियार कर लेना। उसके बाद हुआ क्या, जब वो जेल में चले गए तो जेल में दो लोग आए, दो नौजवान जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में थे, उन लोगों ने एक ख्वाब देखा, कहा قال احدهما اني ارى عصير خمرا, मैं देख रहा हूं कि मैं अपने बादशाह के लिए शराब नोचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा कि मैं रोटियों का टोकरा सर पर उठाया हुआ हूं और परिंदे वो रोटियों को चोंच मार मार कर खा रहे हैं। उसके बाद क्या कहा, इन्ना नराक नबिना बितावीलिही इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, ऐ यूसुफ हमको हमारे ख्वाब की ताबीर बताओ, हम आपको नेकोकार और सालेह देख रहे हैं ये जेल खाने में। सुभान अल्लाह, नंबर एक, यहीं पर हम इस मामले को खत्म करेंगे। इससे दो बातें मालूम हुई, क्या है, ख्वाब की ताबीर ऐसे आदमी से पूछना चाहिए जो आदमी मुत्तकी परहेजगार हो, दूसरा जो मुत्तकी और परहेजगार होता है उसकी शक्लो सूरत का रोग भी अल्लाह ताला दूसरों के दिलों के अंदर डाल देता है। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले क्या मैं नेक हूं मैं साले हूं, नहीं, वो कैद खाने में वो कैदी सबको देखे अच्छा कहते ये बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन अल्लाह ताला डाल दिया उनके दिल में बात को अल्लाह ताला। इसीलिए इज्जत हम अपने दावे से कायम नहीं कर सकते, इज्जत अल्लाह अता करता है, या कैसे अता करता है अल्लाह को मालूम है। कुरान के दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह ताला, अब आप देखें अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह कौन देखे, इब्ने बास कौन देखे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन कौन देखे, लेकिन जब उनकी जबान, जब उनका नाम आता है हमारी जबानों पर तो हम उनके हक में दुआ करते हैं रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन पर रहमतें बरसाए, हफिज़हुमुल्लाह अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ये दुआ कहाँ से निकली, क्या रिश्तेदार, नहीं, अल्लाह ने हमारे दिल में उनकी इज्जत को डाल दिया, नेक लोगों की इज्जतों को अल्लाह ताला इसी तरीके से दिलों के अंदर डाल देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत डाल दिया, उन लोगों ने ताबीर पूछा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले अच्छा अच्छा ताबीर चाहिए कोई बात नहीं बतला दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दो, बोले थोड़ा टाइम दो, कहा जब तक तुम्हारा खाना आ जाएगा और तुम थाने से फारिग हो जाओगे तो उसके बाद मैं तुमको ताबीर बता दूंगा। यहाँ एक नुक्ता अहले इल्म के लिए ये निकलता है कि अगर कोई किसी किस्म का कोई सवाल करते हैं तो सवाल का बर्जस्ता या बरवक जवाब देने की कोशिश मत करो, हो सकता है कि सवाल करो गलत भी हो जाएगा, उससे वक्त लो। आपने मुझसे फतवा पूछा तो मैं बर्जस्ता फतवा नहीं देना, मैं बोलना कि भाई ठीक है आपका मसला मैं सुन लिया हूँ, बेहतर है कि आप लिख के दे दीजिए, आप कल मिलिए मैं आपको कल दूंगा। ये बात क्या है, अगर आप बर्जस्ता देंगे तो वहां गलत फहमियां होंगी। बाद लोग हम लोगों से ऐसी सवाल करते हैं, फोन पे सवाल करके फोन पे जवाब ले लेते हैं, मुलाकात करना नहीं गवारा करते हो, नहीं मुल साहब बोलिए बहुत अहम मसला है, जैसा सवाल आता है हम वैसे जवाब देते हैं फोन पर, हालांकि नहीं देना चाहिए हम लोगों को भी, लेकिन अपने करीबी लोग हैं दे देते, तो वो लोग क्या करते हैं जाकर बयान करने में गलती कर देते, अरे मेरे खुर्रम भाई ऐसा बोले, और हमारे जहन में भी नहीं रहती बात, यही बात यूसुफ अलैहिस्सलाम याद करते हैं, कहा कि नहीं टाइम दो, तुम खाने से फारिग हो जाओ, खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारी तबीयत बता दूंगा।
उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वक्त लिया और उस वक्त का फायदा उठाते हुए क्या फरमाया कि ऐ मेरे जेल के साथियों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाहिल वाहिदुल कहार, बहुत से माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह सुबहानहु तआला बेहतर है, बतला दो मुझे, जो कहार है, वाहिद अकेला है। यानी टाइम क्यों लिया? टाइम इसीलिए लिया ताकि उनको दावत तौहीद पेश की जाए। वो जो बुरहान देखे थे ना, वो यही बुरहान होता है। हाँ, अल्लाह ताला बोले तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, समझे, लिहाजा जेल पसंद करो। जेल पसंद करे, वहां आकर क्या किया, दावत का काम शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। हम में का कोई भी आदमी जब जेल में जाएगा तो अब अच्छे लोग जाकर जेल से बिगड़ कर आते हैं, लेकिन हम अच्छे जाकर अच्छा ही फैला कर आना है। ऐसा आज के जमाने में भी बहुत से दुआत और मुबल्लिगीन ने किया। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद पेश किया, कहे मेरे दो दोस्तों को बुलाओ, उनको ताबीर बता दिया, कहा कि देखो तुम्हें का एक आजाद कर दिया जाएगा और जाकर फिर अपने आका बादशाह की खिदमत करेगा और दूसरे को बादशाह कत्ल कर देगा, ये ताबीर बता दिया। हुआ ये कि एक वक्त के बाद वो लोग जेल से निकल रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि देखो तुम लोग जा रहे हो, जाके बादशाह को जरा याद दिलाओ, बोले कि जमाना हो गया, तुम यूसुफ नाम के एक आदमी को कैदखाने में डाल दिया और भूल गए, क्या मामला है यूसुफ का, जरा बादशाह को याद दिलाओ, बोले। तो इससे मालूम क्या होता, इतना वक्त निकल चुका था यह वाकया होने के बाद कि बादशाह खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया था कि उनको मैं जेल में डाला हूँ। तो मामूली टाइम नहीं होता, लॉन्ग टाइम चले गई है बात, कई साल कई बरस गुजर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में जाने के बाद। वो दोनों आए, हुआ ये शैतान ने उनको भुला दिया। अल्लाह अकबर, शैतान ने उनको भुला दिया। फंसाहु शैतान जिक्र रब्बिहि फलबिसा फिस्सिज्दि बिज़ासिनीन, शैतान ने उस आदमी के जहन से यूसुफ को भुला दिया जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम और चंद साल जेल में रहे। बिजा कल 9 तक बोला जाता है, 3 से 9 तक, तो उसकी एक गलती की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 साल अकल तरीन ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक मस्जिद जेल के अंदर रह गए। हुआ ये कि इस असना में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक और मुकदमा आया बादशाह का। बादशाह ने एक ख्वाब देखा, 7 दुबली दुबली गायें हैं, वो मोटी मोटी गाय को खा रही है। बादशाह परेशान हो गया, बोला कि अजीबोगरीब ख्वाब है, क्या करूं। तो उसने अपने दरबारियों को कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, क्या कोई है ताबीर बयान करने वाला। जब याद आया उस आदमी को, अरे वो यूसुफ है जो हमको तब बोला, बादशाह बताए यूसुफ नाम का एक आदमी था, ये किस्सा था और आप उसको जेल में डाल दिए थे, ताबीर बताने वाला है, मेरी भी ताबीर वही बताया था। तो बादशाह बोला अच्छा जाओ जाके यूसुफ को बुला के लाओ जेल खाने से, बोला जाके यूसुफ को जेल खाने से बुला कर लेकर आओ। तो वो आदमी गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि चलो बादशाह तुमको बुला रहा है और उसको एक ख्वाब आया हुआ है, लिहाजा ताबीर बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले ख्वाब की ताबीर बाद में, ख्वाब की ताबीर बाद में, लेकिन पहले क्या है, जो इल्जाम लगाकर नाकर्दा गुनाहों की सजा तुमने जेल में डालकर मुझे दिया था, पहले उस वाकये की तस्दीक करो कि मैं झूठा हूं या तुम झूठे हैं। क्योंकि जब मैं आऊंगा बाहर और लोग मुझे वही किस्म का ताना देंगे तो मेरी हैसियत कुछ भी नहीं रहेगी, लिहाजा पहले सफाई दो। तब पहले सफाई मांगा बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने कहा कि नहीं, मेरी बीवी गलत थी, तुम जो है सही थे, ये इसकी सफाई है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तब बोले तुम्हारी ताबीर ये है कि 7 साल अब खुशहाली के आएंगे, उसके बाद 7 साल इंतहाई बदहाली के आएंगे, ये तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए बादशाह, आए बादशाह कि ये जो हालात आएंगे इन हालात से मुकाबला करना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब यहाँ रुकेंगे, एक और मसला। हम पहले क्या बोले, इज्जतदार आदमी अपने आप को तन्हा कर ले,
कभी ना कभी उस आदमी की कौम को जरूरत पड़ेगी। तो पहले अब बोले तुम लोग मेरे ऊपर एक औरत का इल्जाम लगा दिए थे, पहले मेरी बरात का मसला सोचो, बाद में मैं आऊंगा मैदान के अंदर। ये ज़र्फ उम्मत में, अहले इल्म में, अहले ज़र्फ में होना चाहिए, तब जाकर लोग उसकी सलाहियतों का एतराफ करेंगे। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सलाहियत का एतराफ करें, कैसे करें यूसुफ अलैहिस्सलाम के? अब बादशाह ने कहा ठीक है, अब क्या करना चाहिए? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे जमीनों का, खजानों का अच्छी तरीके से इल्म है, मैं अमानतदार भी हूं, लिहाजा मुझे वजीर खजाना बना दो, ये हालात से मैं निमट लूंगा। क्यों? उसका इल्म मेरे पास है। क्या बोले? देखिए दो इल्लतें। قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم, سبحان الله, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ, खजानों के इल्म को जानने वाला हूँ कि खजाने की हिफाजत कैसे की जाएगी, पैदावार की हिफाजत कैसे की जाएगी, ये मुद्दत में किस तरीके से पैदावार को बढ़ाया जाएगा, इसका इल्म मेरे पास है। बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम, इससे एक मसला अहले इल्म ने मुस्तंबत किया, वो मसला ये है कि आगे बढ़कर किसी भी आदमी को विजारत या ओहदा तलब नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कौम पर मुसीबत आए तो सलाहियत मंद इंसानों को आगे बढ़कर अपनी सलाहियत का इजहार करना चाहिए। समझे? सब नाहिल है, कौम में कौम मर रही है, पिट रही है, उस वक्त में एक अहल आदमी को ही आगे बढ़कर खियादत संभालना पड़ेगा, वरना पूरी कौम तबाह हो जाएगी, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। दो, दूसरी बात ये मालूम हुई कि ओहदा वही आदमी हासिल करे जिस आदमी के पास ओहदा संभालने की सलाहियत और इल्म हो, वही आदमी फायदा पहुंचा सकता है। अब आप बोल रहे हैं मुझे भी फायदा, मुझे भी ओहदा चाहिए, इनको भी ओहदा चाहिए। जैसे हमारे पास जमहूरी मुल्क में होता थम्सअप मास्टर को ओहदा दे दिया जाता, तो उसको तो कुछ आता ही नहीं, उसको तो कुछ आता ही नहीं, तो वो कौम को क्या देगा? कौम तो कुछ नहीं देगा। अगर आप किसी को मेडिसिन का जिम्मेदार बना रहे हैं तो मेडिसिन के इल्म वाले को वजीर बनाओ, किसी अगर किसी को इल्म के मुतालिक वजीर बनाना चाहते हैं, वजीर तालीम, तो उसके लिए जरूरी है कि वो पर्सनालिटी इंतहाई माहिर तालीम हो, एजुकेटेड हो। अगर आप किसी को वजीर खजाना बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि फाइनेंस में जो आदमी माहिर है उसको वजीर खजाना बनाओ। अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? देश का जो हाल हो रहा है उससे ज्यादा बलहाल हो जाएगा पूरा देश। क्यों? जाहिल लोग आकर खजाना संभालेंगे तो क्या करेंगे? लूट घसुट करेंगे। क्यों? बोलते ना कि नादीदे को मलीदा मिला तो क्या बोला, बाटू क्या चाटू। हमारे मुल्क में तो वही हाल चल रहा है। अब आप देखो, पहले हमारे मुल्क में जो है वजीर फाइनेंस कौन हुआ करते थे? बड़े बड़े लोग थे, चिदंबरम साहब थे, वजीर फाइनेंस थे, चूंकि एजुकेटेड थे आदमी, उनका खुद लाइन थी, वो मनमोहन सिंह थे, वो फाइनेंस के अंदर माहिर थे, उनके जमाने में फाइनेंस बहुत तरक्की किया हमारे देश में। लेकिन अब हमारी क्या सूरत हाल है जरा देख लीजिए, जीडीपी सबसे ज्यादा लो हो गई और पूरा देश कंगाल होने के करीब हो गया। ये क्यों होता है? ऐसी वही दीनी जमातों का हाल भी, वही हमारी दीनी जमातें क्यों तरक्की नहीं कर रही है? खुसूसन अगर मैं अगर आपको बोलूंगा तो हमारी जमात क्यों तरक्की नहीं कर रही है? दौलतमंदों को ओहदेदार बना रहे हैं, इसीलिए जमात तरक्की नहीं कर रही। अहले इल्म, अहले दानिश, अहले ज़र्फ, उनको तलाश करके लाकर खयादत दे दो, कौम तरक्की करेगी। क्योंकि यहाँ पर बताया गया उसको क्या चाहिए, अमानतदारी भी चाहिए, उसके लिए इल्म भी चाहिए। उसके बाद क्या हो गया? एक जुमला यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिसू। अल्लाह अकबर। कोई भी आदमी बुराई से नहीं बच सकता, मगर जिस पर अल्लाह ताला का रहम हो वही आदमी बच सकता है। यहाँ कहा वमा इन्ना नफ्सल अम्मारा, नफ्स अम्मारा कहा, ठीक है। नफ्स की तीन किस्में हैं कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र किया। एक है नफ्स अम्मारा, उसका काम क्या है? खाली बुराइयों का हुक्म देना। एक है नफ्स लवामा, सूरह कियामा में अल्लाह ने जिक्र किया, गुनाह करने के बाद वो नफ्स आदमी को मलामत करता है और तौबा की तरगीब दिलाता है। और एक होता है नफ्स मुतमइन्ना, इंसान गलतियां करना चाहता है लेकिन ये नफ्स कहता है इत्मीनान से रखो, तुम्हारे लिए जन्नत में अल्लाह इससे अच्छा देगा, आदमी गुनाहों से रुक जाता है। समझे? सबसे बदतरीन नफ्स नफ्स अम्मारा।
उससे थोड़ा अच्छा नफ्स नफ्से लवामा तौबा की तरफ तो रागिब करता, और सबसे बेहतरीन नफ्स नफ्से मुतमइन्ना। अल्लाह ने कहा ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना, आ जाओ मेरे जन्नतों में तुम दाखिल हो जाओ, मेरे बागात में तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्यों? ये सारी बुराइयों को छोड़कर जन्नतों का इंतजार करता है। तो कोई भी आदमी हम में का नफ्स से नहीं बच सकता सिवाय जो है अल्लाह के रहम करम के। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला से अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, वो क्या है? अल्लाहुम्मा आती ही तक्वाहा, ऐ अल्लाह जो तकवे का मुकाम है वो तकवा हमको अता फरमा, और उस तकवे के जरिए से ऐ अल्लाह तू हमारा तस्किया फरमा। तकवा एक्टिंग करने से नहीं मिलता, तपस्या करने से नहीं मिलता, बल्कि तकवा अल्लाह से दुआ करते हुए हासिल करना चाहिए। आप कितने ही अपने आप को पवित्र पाक दामन बनाने की कोशिश करो लेकिन नियतों में खोट है तो कभी मुत्तकी नहीं बनोगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से तक्वा तलब करना चाहिए। उसके बाद हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खजाने के मालिक बन गए और कहत पढ़ना शुरू हुआ, तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के गांव तक भी कहत पहुंच गया, कनान तक खाने के लाले पड़ गए। अब उस वक्त क्या हुआ? लोगों में शोहरत हुई कि फलां बादशाह लोगों को रोजी अता कर रहा है, तो लिहाजा कुछ साजो सामान लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद की नसीहत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको रोजी अता फरमा दिए और उनसे कहा कि देखो आज तो तुम आ गए, हम रोजी दे रहे हैं, लेकिन तुम पूरे 10 भाई हो, लेकिन आए कितने? 9। आइंदा से वो 10वें को भी लेकर आना, छोटे को। वो परेशान हो गए, इसको कैसे मालूम बादशाह को कि हमारा 10वां भाई और एक है? नहीं मालूम, चूंकि नबी थे अल्लाह ताला बात बता दिया। सुभान अल्लाह, तो अब ये बड़े परेशान हो गए, अगर वो लाएंगे तो हम तुमको देंगे, वरना तुमको तुम्हारा तोशा नहीं दिया जाएगा। अब वो लेकर गए, याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान ये वाकया पेश हो गया, बादशाह को न जाने कैसे मालूम कि हमारा एक और भाई है। बोले कि आइंदा अगर आएंगे तो वो उसको लाएंगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब क्या याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए ये मेरा बेटा यूसुफ है। जब कहने लगे इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की बुआ आ रही है, बेटे बोले कि पागल हो गए आप बुढ़ापे में? बोले कहां यूसुफ, किधर का यूसुफ, कभी की यूसुफ तो भेड़िया खा गया और आप अभी भी यूसुफ को याद कर रहे हैं? याकूब बोलते कि नहीं, मुझे यूसुफ की बुआ आ रही है। सुभान अल्लाह, हुआ ये कि जब दूसरी मर्तबा सामान लाने के लिए फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई को भी यूसुफ देख लिए, देखकर नापने वाले से कह दिए कि ये नापने का पैमाना इसके थैले में बंद कर दो। बंद कर दिया गया। अब मुनादी लगा दी गई जब ये जा रहे थे कि बादशाह का पैमाना चोरी हो गया, सब लोगों को चकपोस्ट पर रोक लो, सब लोगों को चकपोस्ट पर रोक लिए। बोले के अब चेक करो सामान, छोटे भाई के पास निकल गया। निकलते ही ये लोग परेशान, ये लोग परेशान। बोले के ये क्या हो गया? बोले के भाई ऐसा मत करो, तुम हम में से किसी को रख लो, लेकिन हमारे ये भाई को हम बड़ा वायदा करके लाए अब्बा जान के साथ, लिहाजा ये नहीं हो सकता। तो बोले के नहीं, सवाल ही पता नहीं होता, हमारे मुल्क का कानून है जो मुजरिम है उसी को पकड़ा जाएगा, जो बेगुनाह है हम उसको हरगिज नहीं पकड़ सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम कर लाए, वो लोग आर्गुमेंट करें, करके क्या बोले? फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को नई तकलीफ दी। बोले के बादशाह हमारे वालिद बड़े बीमार हैं, इससे पहले इसका एक छोटा भाई था वो भी चोर था, ये भी चोर निकला। बोले अल्लाह अकबर, अब आप बोलो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना एहसान कर रहे हैं उनके दिल पे क्या गुजरी होंगी? पहले तो कुएं में डाल दिए, फिर अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी चोर बना दिए। तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास रुका रहेगा, अब तुम लोग जा सकते हो। सुभान अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम रुक लिए अपने छोटे भाई बिन्यामीन को। जब
रोक लिए तो ये लोग अपने वतन चले गए। उस वक्त यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाई पर अपना राज खोल दिया, कहा कि देखो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें रोकना मकसूद था, मैंने तुमको रोक लिया, ठीक है चलिए। अब ये लोग फिर गए वालिद के पास, वालिद के पास जाकर के पूरा हादसा सुना दिए कि ऐसा ऐसा हो गया और हमारे भाई को जो है वो लोग रोक लिए। तो यूसुफ अलैहि सलाम जब भी बोले कि नहीं, याकूब अलैहि सलाम बोले कि नहीं, मुझे जो है अभी भी यूसुफ की वो आ रही है, ठीक है। उसके कुछ दिन के बाद फिर वो भाई अपने भाई का हालचाल पूछने और सामान लेने फिर आए। तो जब याकूब अलैहि सलाम को थोड़ा डर भी हुआ, क्यों ये नौ पूरे मोटे ताजे हैं। यहाँ एक हिकमत सिखाई गई, देखिए हम लोगों को इख्तियार करना, हमारे वालिदैन बोले तो हमारे जो है बच्चे नहीं सुनते, क्या बोले, देखो बेटे तुम लोग जा रहे हैं ना, सारे मिलकर एक रास्ते से मिस्र में दाखिल नहीं होना, अलग अलग रास्तों से तुम मिस्र के अंदर दाखिल हो जाओ। ये एक नुक्ता दिया गया, ये एक नुक्ता दिया गया, और इसमें सियासत भी है और हिफाजत भी है, ये अल्लाह की तरफ से है, आप पढ़कर देखिए। इसीलिए इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी सियासत इलाहिया, कि अल्लाह तबारक व तआला की सियासत कैसे होती है, उसके अंदर उन्होंने बयान ये चीज, ये नुक्ता दिया दानिशमंदों के लिए। वो लोग वैसे ही गए, जब वो भाई वहां पर पहुंचे और अपने वालिद का हाल सुनाया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों पर ये राज जो है वाजे कर दिया कि देखो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने कुएं के अंदर फेंक दिया था, तो परेशान हो गए, अरे ये यूसुफ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है, लिहाजा तुम लोग क्या करो, मेरी ये कमीज ले जाओ वापस और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो, इंशाअल्लाह उनकी तवानाई या उनकी बसारत वापस आ जाएगी। उन लोगों ने इसी तरीके से किया और वो सारे के सारे जो है लौट कर फिर दोबारा मिस्र को वापस आ गए अपने वालिद को लेकर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सब का इस्तकबाल किया और उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब से कहा कि अब्बा जान मैंने आपको बचपन में एक ख्वाब बयान किया था और आज ये ख्वाब की ताबीर बयान कर रहा हूँ कि मुझे 11 सितारे सजदा कर रहे हैं और साथ में चांद और सूरज भी है। तो चांद सूरज, एक चांद वालिद, एक सूरज वालिदा और ये 11 भाई सब मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है सजदा कर रहे हैं, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है मेरे भाइयों। ये बड़ी दिलचस्प सूरत है और अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उर्दू जबान में सूरह यूसुफ के नुकात पर ख़ास तौर पर कोई किताब अब तक नहीं आई मंजर पर, लेकिन अरबी जबान के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इबरत की बातें हैं। कभी आपको फुर्सत मिले तो आप दिलचस्पी के साथ नसीहत हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए या सियासत सीखने के लिए आप जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को तफसीर की रोशनी में अच्छी तरीके से पढ़िए, इसमें इबरत की बहुत सी निशानियाँ हैं। ये चंद बातें थी इख्तिसार के साथ हमने यहाँ पर रखने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला कही गई बातों पर हुस्न अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की गलतियों को दूर फरमाएँ। अल्लाह तआला कुरान मजीद को हमारे लिए मशअले राह बनाएँ। أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.